किराना दुकान को सुपरमार्केट स्टोर में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, भविष्य में सुपरमार्केट कैसे ग्रो करेगा, कैसे पुराने तरीकों को आज के दौर और भविष्य के दौर के तरीकों में बदलकर पैसा बनाया जा सकता है। आज का ये वीडियो इसी बात पर आधारित है कि क्यों किराना दुकानदार को सुपरमार्केट बिजनेस में शिफ्ट होना चाहिए, इसका क्या लाभ होगा और कैसे आप भविष्य के लिए तैयार हो रहे होंगे जिससे आपका बिजनेस कभी भी मंदा नहीं पड़ेगा। सुपरमार्केट बिजनेस एक नई जनरेशन बिजनेस है। आज की जनरेशन स्मार्टली बिजनेस करना चाहती है। एज अ ओनर आज की जनरेशन कंपेयर टू किराना वो सुपरमार्केट के तरीकों में बिजनेस करना अधिक पसंद करते हैं। स्मार्टली तरीकों से बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने में भरोसा करते हैं। एज अ कंज्यूमर आज का कस्टमर काफी चूजी हो गया है। कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो उसे खुद चूज करना चाहता है। वो अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से परचेजिंग करना पसंद करता है। वो एक ऐसा प्लेस ढूंढता है जहां उसको किराना से जुड़ा सारा सामान आसानी से मिल जाए और फैमिली के साथ जाकर शॉपिंग करने में मजा आ जाए। एज अ एम्प्लॉय आज के जनरेशन के जो एम्प्लॉय हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तबका आज के समय में इंडिया में जो एंटर हो रहा है वो है महिलाएं। महिलाओं के लिए सुपरमार्केट में काम करना काफी कन्वीनियंट है। ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके एम्प्लॉयमेंट के समय अधिक जद्दोजहद करनी पड़ती है और आज की जनरेशन और ट्रेंड को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट सुपरमार्केट में करना ज्यादा आसान है, ना कि किराना दुकान में। कैसे मैनेज करें सुपरमार्केट को? अधिकतर किराना दुकानदार का सवाल होता है कि छोटी किराना दुकान को मैनेज करने के लिए परिवार के दो सदस्य लगे होते हैं, यदि हम सुपरमार्केट खोलते हैं तो ये कैसे मैनेज होगा? सुपरमार्केट कैसे मैनेज हो, इसके लिए किराना दुकान और सुपरमार्केट में फर्क समझना भी जरूरी है। यहाँ हम आपको किराना दुकान और सुपरमार्केट का डिफरेंस समझाते हैं। देखिए, जो किराना दुकान है इसमें आपको काउंटर पर खड़े होना पड़ता है और सुपरमार्केट बैक एंड से ऑपरेट होता है, इसमें आपको फ्रंट पे खड़े होने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आपको कस्टमर को अटेंड नहीं करना है, कस्टमर खुद अपनी मर्जी से सामान पसंद करता है, बकेट में डालता है, फिर काउंटर पर आकर बिल करवाता है। बस आपको सॉफ्टवेयर पर ध्यान देना है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कस्टमर उस तक कैसे पहुंचे, कैसे पेमेंट करे आदि। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि सुपरमार्केट को चलाने के लिए एक परिवार के कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो जवाब है बस एक। क्योंकि सुपरमार्केट में आप कस्टमर को हैंडल करने के लिए कर्मचारी रखेंगे और आप बैक एंड से ऑपरेट करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी रखने और सैलरी बाहर से देने से बचना है, घर का पैसा घर में रहे वाली कंडीशन है, तो आप अपनी फैमिली के सदस्यों को रख सकते हैं जो अच्छे से ऑपरेट कर पाए। लोकेशन, क्या मौजूदा दौर में किराना स्टोर को सुपरमार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं? और दूसरा सवाल जो अक्सर किराना दुकानदार पूछते हैं वो ये है कि क्या आज के समय में जो मेरी किराना दुकान है उसे मैं सुपरमार्केट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और सुपरमार्केट के लिए लोकेशन का क्या महत्व है? देखिए, यदि आप अपनी आज की दुकान को ही किराना सुपरमार्केट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है, यानी आपकी दुकान का एरिया कितना है, क्योंकि सुपरमार्केट के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। यदि आपकी हाल की दुकान इतने एरिया में बनी है तो बिना किसी समस्या के आप सुपरमार्केट खोल सकते हैं। यदि इससे कम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक ऑप्शन ये भी है कि यदि आपकी किराना की शॉप अपनी जमीन पर है तो आप उसे 2 मंजिला 3 मंजिला बना सकते हैं, लेकिन आपको लिफ्ट की सुविधा का ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक सलाह और है कि यदि आपके पास 500 स्क्वायर फीट तक की किराना की शॉप है तो आप उसे स्मार्ट किराना में तब्दील कर दें, यानी ऑटोमाइज कर दें और सुपरमार्केट के लिए कोई और बेहतरीन जगह तलाश करें जहां आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को कर सकें। तो दोस्तों, यदि आप अपनी किराना दुकान को आज की और भविष्य की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर जाते हैं तो आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। एक किराना दुकान से सुपरमार्केट में तब्दील होगा और एक सुपरमार्केट से दूसरी सुपरमार्केट में बदल जाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ सुपरमार्केट, यानी यदि आप अपनी किराना दुकान को सुपरमार्केट में तब्दील करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ होंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।